हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं फ्री फायर। और आज फ्री फायर हम दोबारा से खेलने वाले हैं कस्टम रूम, और कस्टम रूम हम खेलने वाले हैं डुओ वर्सेस डुओ की जगह ट्रियो वर्सेस ट्रियो, यानी थ्री वर्सेस थ्री खेलने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया डैमेज करने का, और इधर हमारे सारे प्लस मर चुके थे और मुझे करना था वन वर्सेस फोर। तो आज इस कस्टम रूम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इधर मैंने थोड़ा बहुत डैमेज कर काम करा थोड़ा सा, बट नॉक तो कोई हो ही नहीं रहा था। और गाइस, हमने फर्स्ट राउंड के बाद क्यों स्टार्ट किया, मैं भूल गया था, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। मुझे फर्स्ट राउंड के बाद याद आया था, मैंने फर्स्ट राउंड के बाद स्टार्ट किया। तो जब मैंने थोड़ा डैमेज देखकर एक को डाउन किया, और मैंने एक को फिनिश करने की भी ट्राई की, बट 72 का पड़ा पीछे से उसके फ्रेंड ने, मेरे को गंदा डैमेज दिया। मेरे ख्याल से थॉमसन से दिया था, और इधर उसको रिवाइव मिल चुकी थी, और उस जिसने थॉमसन से मार दिया मुझको। तो इधर दो राउंड जीत चुके थे और एक राउंड हम, मतलब जीरो राउंड जीते थे हम तो। और इधर मैं ले लेता हूँ M1887। तो क्या यहाँ पर मैंने M1887 और एक आधी ग्लू और हेलमेट वेस्ट और मशरूम्स ले लिए हैं। तो क्या इधर हम थोड़ा बहुत ग्लू वर्ल्ड डाल के आगे को बढ़ लेते हैं, और इधर सामने वाली टीम भी पूरा घुस रहेगी ग्लू वर्ल्ड डालकर। इधर मैं थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ग्लू वर्ल्ड डाल के खड़ा हुआ था पीक लेकर, भाई कोई बंदा ना मार दे आके। तो इधर मैं आराम से खड़ा हुआ पीक लेकर देख रहा था भाई कोई बंदा ना आ जाए। फिर मैंने देखा भाई साइड से आ रहे हैं, मुझे लगा आगे से आएंगे बट साइड से आ रहे हैं। तो मैं दो तो अंदर घुस गए, बची एक की बात, एक बंदी पुश करती हुई मेरे पे। मैंने कहा आ जाओ लेट्स गो गाइस। इधर मैंने एक को कर दिया डाउन, फिनिश भी कर दिया। और इधर अब बचते हैं दो बंदे, और यहाँ पर मैंने एक को गंदा डैमेज दिया, जब उसने ग्लू वॉल डाली और उसको पीछे से घोंसले ख़त्म कर दिया। इधर मैंने एक को फिनिश किया, और पता नहीं कब मेरे को ऊपर से वो नीचे कूदी, उसने मेरे को मारा, घोंसले बैक कवर भी नहीं दिया। और घोंसले भाई वुकोंग वन के कितना गलत किया यार, उसको एक तो रिवाइव मिल गया, और उसको रिवाइव मतलब मिला नहीं, उसने उसको फिनिश करने के चक्कर में रिवाइव कैंसिल, वो वुकोंग कैंसिल कर दिया, वो वुकोंग से हट गया, तो फिर उसने मार दिया उसको। तो गाइस इधर हम ले लेते हैं अपनी फेवरेट गन थॉमसन, और इधर मैंने ग्लू वॉल और हेलमेट वेस्ट ले लिए। तो गाइस इधर मैंने थोड़ा ग्लू वॉल डालते हुए आप घुस लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा आगे चल लेता हूँ, बट फिर मैंने सोचा चलो ऊपर चले जाते हैं। तो गाइस मैं इधर ऊपर चढ़ गया था, और सामने से बंदे पुश कर रहे थे अच्छा खासा, और इधर घोस्ट भैया भी आ गए थे हमारे। और गाइस मेरे ख्याल से घोस्ट भैया भी वाला गेम प्ले डाल रहे हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से घोस्ट भैया वाला गेम प्ले डाल रहे हैं। तो इधर एक घुस गई और मेरे को डाउन कर दिया। इधर घोस्ट ने अच्छी ग्लू वॉल डालते हुए पैक बनाकर मेरे को रिवाइव दिया। तो इधर मैंने पैक बनाया, और घोस्ट भाई पैक खोलना मेरे को, तो भाई पैक खोल दिया उन्होंने, ये देखना ये निकल नहीं पा रहे थे तो मेरे को पैक खोलना। मैंने थोड़ा बहुत पैक हटाया भी, और मेरे को उन्होंने देखते जाओ, ये देखो मैंने एक को तो फिनिश कर दिया भाई। क्या गंदी गल चुराई थी यार उन्होंने, मैंने कहा था ना यार लास्ट मैच में भी भाई ये बहुत गंदी गल चुराते हैं। तो मैंने मेडिकेट के लिए लूटा, मैंने इनसे भी कहा भाई मेडिकेट दे दो, मेडिकेट नहीं है ग्लोबल मत तोड़ो, ग्लोबल मत तोड़ो यार, ग्लोबल मत तोड़ो। और भाई मानते तो है नहीं भाई हमारे घोस्ट भैया, भाई मारना मेरे को तो घोस्ट के भाई मार लो भाई, मैं तो ना किया भाई। और इधर उन्होंने पूरी स्क्वाड पूरी ट्रियो को वाइप कर दिया। तो इधर इसी के साथ हम जीत चुके थे एक राउंड, और सामने वाले भाई तीन राउंड। तो बस मेरे दादा ही बड़े प्रो थे यार। और इधर मैंने AWM भी ले ली, और वैसे आपको तो पता ही है मैं ओम क्या गंदी चलाता हूँ यार, अभी देखते जाओ क्या गंदे रॉक के यार इस मैच में भाई, ओम से क्या गंदे किल्स निकाले हैं तुम्हारे भाई ने, देखते जाओ। ये देखो इधर मैं पीक लेके खड़ा हुआ था आराम से AWM से, कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था, मैं थोड़ा बहुत नेट भी लैग कर गया था इस टाइम पर। इधर अब वे आ गए सामने से भाई ग्लोअल डालते हुए सबके सब। इधर मैंने एक को डैमेज देने की ट्राई किया, बट ग्लू वॉल में ऐसे डाल रहे थे डैमेज देने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। तो इधर मेरे को एक ही मुड़ी दिख रही थी, बट अच्छे से एम नहीं हो पाया, तो वैसे वो बच गई। मैं पीछे को गया और थोड़ा बहुत एम लिया, बट नहीं लगा, और पीछे से बंदे आ गए थे। मैंने एक ग्लू वॉल पीछे डाली और थॉमसन सेलेक्ट की, और जब मेरे को एक का हेड स्पॉट हो रहा था, मैंने क्या ही जो गंदा हेड मारा है थॉमसन से। और इधर मैंने एक और बंदी को डैमेज किया अच्छा खासा उससे, क्या कहते हैं थॉमसन से। तो गाइस मैं इधर मेडिकेट डाल रहा था, और इधर हमारे घोस्ट भैया रश कर गए, मैंने एक और को डाउन कर दिया, और उसको मैंने अपना किल कंफर्म कर लिया कि अगर आपको बताइए जैसा कि ग्लू वॉल के आर पार भी रिवाइव मिल जाती है कभी कभार। तो इधर हमारे पायरेट भैया जो आई साहब वो तो एलिमिनेट ही हो गए,
उनका मन नहीं था हमें किल देने का, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अब तो मर नहीं है, तो भाई एलिमिनेट हो गए थे। इधर अब लग चुका था पोची नॉक। तो गाइस इधर मैंने एक मतलब डब्ल्यू एम और थोड़ी बहुत हेलमेट वेस्ट की तो ले ली थी, तो एडम मतलब लास्ट मैच की थी, लेवल 3 का वेस्ट ले लिया था मैंने। और गाइस इधर मैं चढ़ गया था ऊपर देखने के लिए, भाई कोई बंदा दिख गया, मैंने भाई ग्लोबल डाली कभी कोई एडब्ल्यू एम का हेडशॉट ही मार दे। इधर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया एम का बट कोई, फिर इधर मैंने 150 कमाने का भी ट्राई किया बट लगा ही नहीं, एम मिस हो गया। और इधर मैं नीचे कूद गया, मैं थोड़ा सा एम नहीं ले पाया, गलती से फायर बटन पे दब गया। यहाँ पर मैंने थॉमसन सेलेक्ट कर ली और मैंने देखा भाई कोई दिख तो रहा है, भाई कोई नहीं दिख रहा था यार। इधर मैंने क्या गंदा हेड तो नहीं पेल पाया बट फिर भी गंदा पेला। और इधर उनकी दो नॉक थे बट फिर भी मैं अपने किल को कंफर्म करने के चक्कर में नीचे तो गया नहीं, मैं भूल गया था यार, मैं ऊपर देख ही नहीं पा रहा था, मन नहीं कर रहा था ऊपर देखने का। तो गाइस इधर उनको एक रिवाइव मिल चुकी थी और इधर मैंने डैमेज की ट्राई करने की कोशिश भी की बट नहीं हुआ। इधर मैंने एक को मारा था 150 का पटका, वुकोंग बनी भी थी, कोकोंग भी हट गया उसका देखते थे। इधर भाई क्या गंदा वो पटका मारा, पता नहीं मैंने एडब्ल्यूएम की स्विच की, पता नहीं मैंने थॉमसन से क्यों नहीं डाउन करा, आई डोंट नो दैट, पता नहीं यार मैंने क्यों एडब्ल्यूएम स्विच की। और कहा जितना मैंने नीचे उतरने की ट्राई किया, मैं अच्छा हुआ मैं इस पर उतर गया, क्योंकि अगर मैं नीचे उतरता तो डायरेक्ट हो सकता है मैं मर भी सकता था। तो गाइस इधर मैंने विंडो को ब्लॉक कर दिया, कभी को पीछे से आकर बजा डाल यार। तो इधर मैंने 50 को डैमेज तो वैसे ही ले लिया था यार। और इधर से आ गई भाई एक बंदी और क्या गंदा पेला है, क्या ही तो गंदा पेला है यार इस बंदी ने। तो गाइस इधर हो गया था स्कोर 2-4 का। इधर तुम्हारे भाई ने ली MP40। भाई मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है MP40 चलाने का, पहले मैंने सोचा भाई ऑम ले लेता हूँ बट फिर मैंने सोचा यार MP40 सही है। तो मैंने इधर थॉमसन और MP40 भी, थॉमसन भी ले ली मैंने और ग्लोअल भी ले ली, थॉमसन तो मैंने ले ली और लेवल 3 का बेस्ट भी ले लिया मैंने। तो गाइस इधर देखना क्या गंदा हारे हैं यार हम, क्या गंदी यार, चीटिंग भी कह सकते हैं या फिर हाँ कह भी सकते हैं, स्किल्स भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जिससे हम हारे इस मैच में देखते जाओ। इधर हमारे घोष भैया कि मैंने ग्लू वॉल तोड़ के अंदर घुस गया मैं। तो इधर हमने 3v3 कर रहे, तो यार सामने वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, हमारे तो 2 ही स्कोर चल रहे थे, उनके 4 चल रहे थे यार, क्या गंदा क्षेत्र था यार उन्होंने। तो गाइस इधर हमारे घोष भैया और पैक बनाए जा रहे थे, पैक बनाए जा रहे थे बेचारे, वो शायद तो हमारा अंदर ही फंस गया था, मेरे तो अंदर ही फंस गए थे, उनका ग्लिच हो जाते हैं जैसे 2 ग्लोअर के अंदर फंस जाते हैं। जैसे थोड़ा डैमेज का ट्राई किया और मैंने फिर डैमेज भी दिया MP40 से और मैं नीचे कूद गया, भाई चलो नॉक करते हैं भाई, नॉक किया एक को और फिनिश भी करा। और सबसे पहले एक के मार दिया 150 का पटका और एक बंदा चला रहा वुड पैकर, भाई क्या कितनी तेज चलाई यार वुड पैकर, वो तो मैं बच गया है वुड पैकर का एक शॉट नहीं लगा वरना मैं तो डायरेक्ट नॉक था। तो गाइस इधर मैं यहाँ पर आकर बैठ गया था कि भाई देख लेता कोई बंदा आ गया कभी। और गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि गाइस इसमें इतना लंबा खिंचा है ये मैच, देखते जाओ यार बहुत ही अच्छा मैच गया है ये और बहुत ही गंदा खिंचा है। अभी आप देखते जाओ, ये देखो भाई हमें एलिमिनेट कराने की पूरी प्लानिंग है, सब ने ग्लू वॉल डाल मारी भाई अपनी पूरी की पूरी ग्लू वॉल सी डाल दी। ये देखो हमने तोड़ने की बहुत ट्राई की बट नहीं टूटी हमारे से, क्योंकि घोस्ट के पास थी डबल ऑम से जल्दी नहीं टूटती, स्विचिंग भी फास्ट करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो इधर हमारे शैडो भैया को भी ऐसी पैक करके मारने की साजिश चल रही थी यार इनकी। इधर हमने यार इधर मेरे ख्याल से पोस्ट पेल भी देता है यार बट ये कैसा गंदा पैक कर रहे थे यार, बहुत ही गंदा पैक है यार। इधर एक तो डाउन भी हो गया था, कहा पता नहीं इसको क्या माया फिर इसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं पीछे क्यों नहीं ग्लू वॉल डाली इसने, पीछे जाकर निकल सकता था ये बट नहीं डाली इसने। और इधर हम अब 5 राउंड हार चुके थे और जीत रहे थे खाली 2 राउंड्स। तो गाइज इधर तुम्हारे भाई ने दोबारा ले ली एक AWM प्लस थॉमसन। तो गाइज इधर मैंने AWM ले ली और ग्लोअल भी ले ली और एक वेस्ट प्लस मशरूम, वेस्ट तो मैं लेना भूल ही गया था मैंने गलती से। तो गाइज यहाँ पर मैंने गलती से नेड्स ले लिए थे यार, पता नहीं क्यों मैंने नेड्स क्यों लिए, शायद मैं सेफ्टी के लिए लिए थे। और इधर मैं ऑम से स्कोप इन करके देख रहा था कोई बंदा तो नहीं है, ऊपर मेरे को एक स्पॉट हुआ बट उसको एम ही नहीं मिल रहा था अच्छे से। इधर मैंने एमिंग का ट्राई भी किया और उसको रेड भी हुआ था बट मैंने सोचा भाई मारूंगा तो नहीं लगेगा, बट अब फाइनली मैंने देखा भाई कहीं और तो नहीं था, मेरे ख्याल तो वो नीचे गिर गया था बट नहीं वो दोबारा आ गया था मेरा भाई, उसने ग्लू वॉल डाली और वो निकला, मैंने सोचा भाई मारो मारो मारो
भाई नहीं मारा बट तब भी, अब मैं अगर इसको मार देता भाई तो अच्छा रहता काम, जीत जाते हम। और भाई एकदम मेरा एम गलत मिस हुआ यार, और एकदम मैं तो एक और एम ट्राई किया नहीं लगा। मैंने कहा भाई चलो घुसेंगे थॉमसन को लेके, इधर मैंने थोड़ा पैक टाइप चीज़ बना दी जिससे कि मैं पीछे से आके ना मार सके। तो इधर एक वुकोंग वन की रिवाइव दे रही थी, मैंने पहले किल कंफर्म किया और एक को नॉक करने की ट्राई की भाई। और भाई इसने शैडो ने क्या गंदा किल चुराया यार, शैडो ने हमारे थर्ड प्लेयर ने क्या गंदा किल चुराया। तो इधर मैंने ग्रूवल तोड़ के ऊपर जाने की ट्राई की, और इधर मैंने देखा पीछे से जोन भी आ रहा है। नहीं तो मैंने ग्लूवल तोड़ी ट्राई की नहीं भाई, मैंने कहा भाई पीछे जोन आ रहा, मैंने ट्राई की 10% का चढ़ गया। मैंने उसको गंदा डैमेज देने की ट्राई की बट नहीं हुआ, मैंने उसको और डैमेज देने की ट्राई की, पैक बना लिया भाई, पैक को पे बनाया, पैक खुल गया एकदम से। मैंने भाई कहा भाई हेडशॉट, अब भाई था मैंने रेडी डबल ए डब्ल्यू एम। तो गाइस इधर मैंने डबल ए डब्ल्यू एम रेडी थी, और इधर अब आ गया था हमारा फैक्ट्री। तो इधर अब मैं चल लेता हूँ कंटेनर्स कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं टैंक्स के ऊपर। इधर से पीछे टायर लेके चढ़ लेते हैं इसके ऊपर, चढ़ लेते हैं। तो मैं पता नहीं डीगल लेना भूल गया था, पता नहीं मैंने डीगल क्यों नहीं ली, मैं डीगल लेना भूल गया था, मेरे पास दो ग्लू वॉल्स थी। और इधर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पीछे कितनी ज़्यादा लूट पड़ी हुई थी यार, हमने कितना सामान छोड़ा हुआ है। तो इधर मैंने एक को डाउन का टिकट रह गया, और यहाँ पे एक को मैंने डाउन भी कर दिया बट उसको एकदम से उन्होंने रिवाइव दे दिया यार। मैंने एक और 150 को पट कर मार दिया बट एकदम से स्विच नहीं हो पाया थोड़ा सा। इधर मैंने ग्लू वॉल तोड़ने का ट्राई किया बट हो नहीं पा रहा था यार। इधर मैंने इसको 150 मारा और भाई घोष ने करा गंदक से चोरी, मेरे को लगा भाई वुकोंग बना अब भी जिंदा होगा। मैं कह रहा 150 150 पड़ रहा, नॉक क्यों नहीं हो रहा भाई। मैं फिर मैंने पूछा भाई नॉक हो गया था क्या भाई, देखो नॉक था भाई, वो तो वुकोंग बना हुआ एक कभी कभार ग्लिच हो जाता है, पता नहीं मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा, पहली बार ही देख रहा हूँ। और गाइस अगर आपको वो जो न्यू इवेंट आने वाला है PCV रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वॉचिंग किटी 1 2 3, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपको उसको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो अभी फ़िलहाल इवेंट चल रहा है वो ट्रॉफी वाला, और जहाँ से वो मिल रहा है लकी ट्रीज, मैं आपको वो वाला भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें जो अवी किंग एंट्री भी आ जाएगा हमारा अब तो। और इधर मैं एक और मैच जीत चुका हूँ 4 राउंड्स। तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर हम जीत चुके हैं 4 राउंड्स और मैं जीते हैं 5 राउंड्स। तो गाइस इधर मैंने थोड़ा बहुत एमिंग का ट्राई किया और इधर हो ही नहीं दिया एमिंग ढंग से। तो गाइस इधर मैंने थोड़ा बहुत एडब्ल्यूएम प्रैक्टिस भी कर लिया था। तो इधर हमारा जोन खुलने वाला था भाई, मैंने सोचा भाई ऊपर चढ़ जाते हैं, चलो ऊपर से एक आधे को डाउन करते हैं फिर निकलेंगे। मैंने सोचा भाई कभी आगे से आ जाए, तो मैंने ग्लू वॉल डाल दी। कभी कभी होता है भाई आगे से आकर M18 से मार देगा मेरे को आते आते, सॉरी गाइस। यहाँ पर मैंने एक लोअर डाली जिससे कि पैक टाइप चीज बनते कोई आना पाए ऊपर, और मेरे को एक बंदा स्पॉट हो गया था उस वाले घर पे और लॉन्ग में, पता नहीं वो वुड पैकर चला रहा था कौन सी चला रहा था, उसको मैंने 150 दिया। मैंने एक और शॉट का ट्राई किया नहीं लगा, बट ये वाला शॉट हो गया कनेक्ट और वो हो गया नॉक। और गाइस यहाँ पर मैंने उसको नॉक कर दिया था, जाकर हमारी घोष भैया ने फिनिश कर दिया। और भाई मैंने देखो पीछे से ग्लूअर टूट गया भाई, मैंने 2 ग्लूअर्स डाली और भाई मैंने कहा कूद जाओ। और गाइस वो तो अच्छा हुआ फॉल डैमेज नो था वरना गया था, क्योंकि बहुत लॉन्ग जंप लग गई थी, मेरे को लगा भाई लॉन्ग नहीं लगेगी उस पर तो जाऊँगा पाथ पे छोटे वाले पाथ पे, बट नहीं उतरा भाई। घोष ने नॉक किया और इधर से मैंने उठा लिया भाई थॉमसन, भाई थॉमसन ले लो कभी भाई AWM से मार ही ना पाऊँ। और इधर का जैसा कि आप देख ही सकते हैं सबसे रॉन्ग सिचुएशन जो हुई थी कस्टम में वो थी भाई हमारे घोष कह रहा हूँ भाई शैडो का ही नेट चला गया भाई, अब करना था हमको डुओ वर्सेस ट्रियो। तो गाइस ये हो गया था बहुत ही ज़्यादा हार्ड मैच। तो गाइस देखते जाओ हमने क्या सिचुएशन हैंडल की, क्या हम जीत सकते हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके अभी बताओ यार। और इधर एक बंदा वुकोंग बनी अपनी को कंफर्म कर रही हो गया, और इधर नीचे आया भाई खत्म तुम्हारे भाई थॉमसन से क्या गंदा पहला। इधर थोड़ा बहुत इमोट दिखा देते हैं टेथ क्लियर वगैरह। तो गाइस इधर हम 5 राउंड जीत चुके थे और मैं भी 5 राउंड। इधर मैं थोड़ा बहुत वेस्ट परचेजिंग कर लेता हूँ और प्रिपेयर कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर हमारा राउंड स्टार्ट हो चुका है। और गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं अब भी उनका नेट चला गया मेरे ख्याल से, अब मैं वापस नहीं आने वाले, अब उनका नेट परमानेंटली चला गया है मेरे ख्याल से अब उनका रिकनेक्ट भी नहीं होगा शायद, अभी पता नहीं है ट्राई कर रहे हैं।
तो गाइस इधर आप देख सकते हो थोड़ा एमिंग का ट्राई किया, कोई मर जाओ यार, कोई नहीं मरा यार, ट्राई कर रहा था अच्छा खासा, बट ट्राई भी किया एक मारा भी, मारने की कोशिश भी की बट नहीं लगा। और गाइस मेरे ख्याल से अब तो उनका डिकनेक्ट होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये इतनी देर तक अगर वापस नहीं आया तो मतलब समझ जाना चाहिए यार कि भाई अब तो आने ही नहीं वाला। तो गाइस इधर अब हम चढ़ चुके थे ऊपर, और इधर अब आ चुकी थी इनकी एलिमिनेटिंग की नोटिस। तो गाइस देख सकते जैसे कि आप उनको डैमेज करना शुरू हो गया, यानी वो जोन में चले गए हैं, आउट ऑफ द जोन, प्ले जोन में। तो गाइस यहाँ पर वे तो मर चुके थे, मतलब एलिमिनेट हो गए थे गेम से। और मैं थोड़ा डैमेज की ट्राई की, और इधर हमारे पायरेट भाई नए जो प्लेयर खेल रहे हैं हमारे साथ ट्रियो में आ रहे वाले थे ऊपर को, बट पता नहीं आए नहीं। और इधर पायरेट ने ग्लू और अच्छी डाली, वरना मैं एडम से उनको डाउन कर देता। और इधर हमारा घोस्ट भी सही पहल रहता है यार घोस्ट। तो गाइस इधर अभी तो उनके तीनों के तीनों जिंदा हैं, और हम तो दो ही हैं, मतलब एक का तो नेट ही चला गया था, तो हम तो अब आप कह सकते हैं दो जिंदा हैं। और गाइस इधर उसने क्या गंदी ग्लू डाली, पता नहीं मैं ग्लू नहीं इतनी अच्छी डाल पाता। इधर बच रहा था उनका एक बंदा भाई, घोषणा का भाई सब डाउन है, फिनिश भी है, बस एक बच रहा भाई। मैंने कहा आ जाओ भाई, भाई क्या मैं पता नहीं मैं ग्लू वाले नहीं डालता यार। मैंने इधर आकर फिनिश कर दिया उसको, बट फिर भी। तो गाइस अब हमारे हो चुके थे 6-5, अब हमारे हम जीत चुके थे 6 राउंड, और मैं जीत चुके थे 5 राउंड। और गाइस मैं आपको बता दूँ यार, मेरे को ये वाला मैप मुझे नाम भी नहीं पता इसका, शायद समुराइज गार्डन था इसका नाम, आई डोंट नो, शायद समुराइज गार्डन ही है इसका नाम। और गाइस इस मैप में मेरे को इतना अच्छा खेलना आता ही नहीं है, क्योंकि बर्मुडा जी मास्टर जैसे कि आपको पता है अभी न्यू ऐड हुआ है मैप, बीच में वो इवेंट टेस्टिंग के लिए भी आया था, बट पता नहीं है वो दोबारा अब इतने महीनों बाद आया है, अब वो कंफर्म हो गया है कि अब वो परमानेंट रहने वाला है। बट गाइस मेरे को ये वाला मैप, मतलब इस वाले मैप के अंदर समुराइज गार्डन प्लेस गाइस बहुत गंदी लगती है। इधर मेरे को पता नहीं बंदा कहाँ से मार देता है, पता भी नहीं लगता। इधर गाइस देख ही सकता हूँ जैसे कि शेडो का नेट अब परमानेंटली जा चुका है। तो इधर अब सिचुएशन क्या थी, डुओ वर्सेस ट्रियो वाली। तो गाइस इधर हमने थोड़ा बहुत डैमेज देने की ट्राई की, मैंने वहाँ से स्कोप खोल के देखा, और यार क्या गंदी ग्लू वॉल डाली घोस्ट ने, अगर ये ग्लू वॉल ना डालती तो शायद मैं एक को डाउन कर देता। इधर वुकोंग बन के भाई आगे आ रहे थे, घोस्ट ने गंदा पिला, इधर मैंने ग्लू वॉल डाली बट M18 के सामने यार क्या यार, पता नहीं मैं ग्लू वॉल नहीं डालता फाइट करते हुए, एक को डाउन किया बट दूसरे ने पीछे से गंदा बैक कवर दिया यार। और इधर मेरे किल कंफर्म हो गया था, बट फिर भी यार घोस्ट को पेल दिया। तो गाइस इधर इमोट दिखा रहे थे, और अब आ गया तुम्हारे भाई को एक गुस्सा, अब करना था डुओ वर्सेस ट्रियो, और ये था बिल्कुल लास्ट राउंड कह सकते हैं, फिर मैच भी कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तुम मुझे आ गया था भाई गुस्सा, भाई ये क्या हो रहा, मुझे गुस्सा आ गया था गाइस, मुझे लगा क्या हो सकता है इस वाले राउंड में घोस्ट का नेट वापसी आ जाए, और इस टाइम पे हमारी फट भी रही थी, और गुस्सा भी आ रहा था यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, फट भी रही थी, और क्यों भाई डुओ वर्सेस ट्रियो करना है, और लास्ट मैच पॉइंट था बिल्कुल, मुझे लगा भाई हो सकता है आ जाता, तो उस वजह से मैंने ग्लू वॉल को ओपन करने की ट्राई की, ओपन नहीं हुई, वो पता नहीं यार, अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था अंदर से जब मैं खेल रहा था। और भाई देखते जाओ यार, इधर मैंने थोड़ा बहुत एमिंग का ट्राई किया, कोई बंदा दिख जाए कोई बंदा दिख जाए, और इधर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया और बट हुआ ही नहीं आ रहे, पता नहीं हो ही नहीं रहा था, कोई सब ग्लू वॉल डाल डाल के आगे बढ़ रहे थे, कोई नहीं दिख रहा था। इधर आई हमारी एक फर्स्ट शिकार, इधर मैंने करा एक को डाउन, और वो बताने भी आ रही थी, वैसे मैंने एकदम फिनिश कर दिया 150 को मार के। तो आज मज़ा आ गया था इस 150 का हेडशॉट के नहीं 150 का पटका मार के। और इधर उन्होंने सामने ग्लू वॉल डाल रखी थी, मैं भी गंदा डैमेज का ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं रहा था मुझको डैमेज, और इधर सामने उन्होंने ग्लू वॉल डाल ली। और गाइस अब आप देख लो भाई, मैंने कहा भाई पीछे से लो, भाई मैंने पीछे देखा भाई मेरे को लग गया अब डर, भाई पीछे भाई भाई पीछे आ रहा जोन। इधर मैंने करा भाई एक को हेडशॉट से डाउन, भाई आ गया मज़ा इसको किल कंफर्म करके। तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस हेडशॉट के लिए, तो भाई कंफर्म कर देना यार, बहुत सही हेडशॉट मारा है तुम्हारे भाई ने, कितना सही एम लेके मारा है यार, वो हिल भी नहीं जाता। और इधर तुम्हारे भाई ने देखो भाई 150 का पटका मारा, लगा नहीं भाई दूसरा 150 का पटका मारा, भाई घोष ने क्या गंदी गिल चुराई यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।